लोग के हम शिवम सिंह कलाकार हम लोग से यह बात करके चाहते नहीं कि जितना ज्यादा लोग घरे रही सेफ रहे लोग जितना ज्यादा हाथ साफ रखी घर साफ रखी साफ सुथरा कपड़ा पहनी टाइम टू टाइम कपड़ा वपड़ा सब धोई और टीवी देखी रामायण देखी अपना परिवार के साथ समय व्यतीत करी और परिवार के समझे की कोशिश करी। और उन्होंने एक बात ही बताई कि चाहता नहीं कि ज्यादा से ज्यादा लोग घर पे बैठ के रहो कैसे हेल्प कर सकता नहीं। आज के टाइम में गूगल पे बांटे पेटीएम बांटे पे फोन बांटे तो जितना रोज जैसे स्पॉट बॉय हो गए जितना टेक्नीशियंस हो गए जितना से ज्यादा लोग हेल्प करें उतना सही रही। और एक छोट घटना हमारे साथ कल रात में भइल कि एगो स्पॉट वाला के फोन आयल कहल कि भैया 3 दिन से हमारे घरे राशन खत्म हो गए कुछ मदद करें का तो हम तुरंत हम जितना कर सकते नहीं हम कर देनी। हम लोगों से यही अनुरोध करता नहीं कि लोग जितना लोगों के मदद घर बैठे कर सकता नहीं कृपया करके करी और आशीर्वाद दी और जल्दी से जल्दी हमारा भारत स्वच्छ हो जाए। धन्यवाद। के हम शिवम सिंह कलाकार हम लोग से यह बात करके चाहते नहीं कि जितना ज्यादा लोग घरे रही सेफ रहे लोग जितना ज्यादा हाथ साफ रखी घर साफ रखी साफ सुथरा कपड़ा पहनी टाइम टू टाइम कपड़ा वपड़ा सब धोई और टीवी देखी रामायण देखी अपना परिवार के साथ समय व्यतीत करी और परिवार के समझे की कोशिश करी। और उन्होंने एक बात ही बताई कि चाहता नहीं कि ज्यादा से ज्यादा लोग घर पे बैठ के रहो कैसे हेल्प कर सकता नहीं। आज के टाइम में गूगल पे बांटे पेटीएम बांटे पे फोन बांटे तो जितना रोज जैसे स्पॉट बॉय हो गए जितना टेक्नीशियंस हो गए जितना ज्यादा लोग हेल्प करें उतना सही रही। और एक छोट घटना हमारे साथ कल रात में भइल कि एगो स्पॉट वाला के फोन आयल कहल कि भैया 3 दिन से हमारे घरे राशन खत्म हो गए कुछ मदद करें का तो हम तुरंत हम जितना कर सकते नहीं हम कर देनी। हम लोगों से यही अनुरोध करता नहीं कि लोग जितना लोगों के मदद घर बैठे कर सकता नहीं कृपया करके करी और आशीर्वाद दी और जल्दी से जल्दी हमारा भारत स्वच्छ हो जाए। धन्यवाद।